हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर्व से पहले फागुन मास की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कांवड़िया गंगाजल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के मंदिरों को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रेमनगर आश्रम में पिछले एक सप्ताह से भगवान शिव और नारायण का अनुष्ठान जारी है। देखा जाए तो धर्मनगरी भगवान शिव के रंग में रंग चुकी है। ऐसे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पुलिसकर्मी वर्दी में तैनात है। प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए भगवान शिव की ससुराल शेश्वर महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि भगवान शिव ससुराल शेश्वर महादेव मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं भागवत कथा व्यास आचार्य बद्री पन्ना महाराज ने बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव और नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ सभी भक्तों को एक साथ शिव और नारायण दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हरिद्वार में भी संतों के सानिध्य में बैठकर इस आयोजन को करने का सौभाग्य और ऐसी कथा करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं। कंखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के बाद शिव भक्त जो है उत्तर भारत के विभिन्न नगरों से आ रहे हैं, गंगा जल अपने शरीर पर धारण करके भगवान का अभिषेक करते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं। देखिए आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है घाटों पर और हमारे सभी मजिस्ट्रेट साहबान और सभी लोग अपनी लगातार ड्यूटी पर हैं और बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। और इस मेले की खासियत यह है कि जो इसमें क्राउड आता है थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड आता है। आपने देखा होगा कि सावन मास में जो आता है उसमें यूथ बहुत आता है और इसमें थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड है। अपना आना शांति के साथ जल भरना और धीरे से प्रस्थान करना।